Hi friends, I'm your friend Daily Hi Paul. I hope you all are doing well and welcome back to my channel. So friends, today I'll tell you things to do in Haridwar. Whenever you go to Haridwar, do not skip these things while you are in Haridwar. फ्रेंड्स, हरिद्वार में जो गंगा नदी बहती है बहुत ही पवित्र मानी जाती है और समुद्र मंथन के समय की कहावत है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तब उज्जैन, नासिक और प्रयाग के साथ 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 हरिद्वार में भी अमृत गिरा था, जिसके बाद से हर 12 साल में वहां महाकुंभ होता है और हरिद्वार जो है वो 7 पवित्र स्थल जिसे सतपुरी भी कहते हैं उनमें से एक भी है। फ्रेंड्स, अगर आप हरिद्वार जा रहे हैं तो पहली जगह जहां आपको जाना चाहिए वो है हर की पौड़ी। ये जो हरिद्वार में मोस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट है, इसे ब्रह्मकुंड भी बोला जाता है। माना जाता है कि विष्णु जी खुद आया करते थे यहां पे और उनके जो फुट स्टेप है वो आज भी देखे जाते हैं। उसके बाद आपको दूसरी चीज़, अगर आप हरिद्वार में हो तो बी अ पार्ट ऑफ गंगा जी आरती, क्योंकि गंगा जी की जो आरती होती है उस समय की जो फीलिंग होती है बहुत ही अच्छी होती है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। फ्रेंड्स, सेकंड चीज़ आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, टेंपल हॉपिंग। आप वहाँ पे जो टेंपल्स हैं वो है मनसा देवी का टेंपल। मनसा देवी का जो टेंपल है बहुत ही फेमस है। मनसा देवी माँ मानी जाती है कि वो सबकी जो विश होती है वो बहुत ही जल्दी पूरा करती हैं। आप चाहें तो मनसा देवी तक वॉक करके जा सकते हैं, अदरवाइज यू कैन टेक अ केबल कार। उसके बाद आप दूसरा टेंपल विजिट करते हैं, वहाँ पे माया देवी का टेंपल भी है और चंडी देवी का टेंपल भी है नील पर्वत पर। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टेंपल्स, आई गेस अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो आपको ये विजिट करने चाहिए। सो फ्रेंड्स, इफ यू गोइंग टू हरिद्वार देन यू शुड डू दिस थिंग, यू शुड विजिट आश्रम। आश्रम इज द मोस्ट पीसफुल प्लेस फॉर मेडिटेशन एंड यू शुड स्टे इन आश्रम ऑल्सो इफ यू आर गोइंग टू हरिद्वार। देर आर टू आश्रम्स इन हरिद्वार विच इज वेरी पॉपुलर। पहला है शांति कुंज आश्रम जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और दूसरा है पतंजलि योग पीठ, इज अनदर पॉपुलर आश्रम स्पेशली फॉर योगा। So friends, you must be thinking what are the other things you can do in Haridwar apart from spirituality. Apart from spirituality, friends, you can do few famous things and few good activities in Haridwar, like you can do trekking, bird watching, rafting, and you can visit Rajaji National Park. In Rajaji National Park, friends, you can find some wild elephant and if you are lucky enough, then you might even spot a tiger. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक बोनस टिप आपको देना चाहूंगी। इफ यू आर गोइंग टू हरिद्वार देन डोंट फॉरगेट टू विजिट मोहनपुरी वाला, बिकॉज इसकी जो पूड़ी होती है ना, और पूड़ी सब्जी बहुत ही यमी टेस्टी होती है यार, इसको तो विजिट करना बनता है अगर हरिद्वार जा रहे हैं तो। यहीं से खाइएगा। So friends, that's it for this video. If you like this video informative, then don't forget to like this video and you can share this video with your friends and don't forget to subscribe my channel Daily Hi Parul and you can follow me on Instagram and Facebook. Guys, I am available on my social media handles and I'm very active there. Thank you.